तो यार पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारी WWE इंडिया के इवेंट की, सुपरस्टार स्पेक्टेकल्स की। तो यार मुझे तो बहुत शौक लगा कि 1 महीना बाकी है और आज के दिन भी इंडस शेर रॉ में नहीं आया। एग्जैक्टली 1 महीना बाकी है और उनको इंडस शेर को रॉ पे नहीं दिखाया, तो 3 हफ्ते में लोग इतना कैसे पोस्ट कर देंगे कि उनको टैग टाइटल्स के लिए कर सकते हैं। अब यार देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा आज रॉ में केविन ओवेंस ऑलरेडी इंजर्ड है, सैमी जेन को भी इंजरी हुई हुई है, उनका आ रहा है कि टोन ट्राइसेप है या जॉन सीना की ओर, उनको टोन ट्राइसेप भी होता है, सेम चीज़ ऐसे ही सेमी जिन को भी दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था, ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हो कि टैग टाइटल्स अब स्प्लिट हो सकते हैं, रॉ को अलग स्मैकडाउन को अलग। तो साफ सी बात है, मेरे को लगता है सुपर स्पेक्टिकल्स में शायद ऐसा हो सकता है रॉ के टाइटल्स इंडस से जीते। तो आप लोग को इसके बारे में क्या लगता है यार, ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड 3 हफ्ते में क्या दिखाएगी ये लोग इंडस शेयर के लिए, आप लोग को क्या लगता है ज़रूर। तो यार सैमी ज़ेन की बात हो ही रही है, तो यार उनके जो इंजरी है वो लेजिट है, कोई ऐसी स्टोरी लाइन के लिए नहीं है कि टाइटल्स ड्रॉप करने के लिए, उनको एक्चुअल में इंजरी हुई है। आप लोग देख सकते हो उनके एल्बो पे एक बॉल जैसा हो गया है, सॉल मतलब काफ़ी सूज गया है ऐसा लग रहा है, तो उनको एक्चुअल में इंजरी हुई है। एंड बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा कि वो नहीं होएंगे, कुछ टाइम के लिए नहीं आएंगे। एंड होप सो कि उनकी स्पीड रिकवरी हो एंड जल्दी ठीक होके वापस आए। हमारी अगला अपडेट भी इस इंजरी से रिलेटेड है, तो ये स्मैकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन की मैच हुई थी बियांका बेलेर एंड शार्लोट फ्लेयर के अगेंस्ट, तो उसमें यार सोनिया डेविल को टोन ACL हुआ है। एंड आई थिंक अब तो टोन ACL हो रहा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो ऐसा हो सकता है वुमेंस टैग टीम चैम्पियनशिप भी ड्रॉप करनी पड़े इन लोग को। सो होपफुली देखते हैं क्या होएगा, पता लग ही जाएगा ये वाले स्मैकडाउन पे या अगले रॉ स्मैकडाउन में। सो होप सो कि वो उनकी रिकवरी स्पीडी हो और जल्दी वापस देखने। तो यार हमारा अगला अपडेट आ रहा है कोडी रोज के लिए। यार तो यार आज के रॉ में हमने देखा कि सेट रॉलिंस का जो नया फ्यूड होने वाला है वो तो नाकामुरा के साथ होगा, अब हमने ये तो देख लिया कि उनका हील टर्न हो गया। बट यार अब कोडी का क्या होगा, हमें तो लगा रहा आज कोडी की नई फ्यूज चालू होएगी। एंड जब सेट आया तो लगा यार पे बैक में हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री भी पहली है एंड पे बैक का तो यार मतलब ही वो है, तो लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो यार अब आप लोगों को क्या लगता है कि कोडी रोज के लिए अगला एनिमी, अगली फ्यूड किसके साथ हो सकती है, ज़रूर कमेंट्स में बताना। यार हमारा अगला अपडेट ब्लड लाइन से रिलेटेड है, तो यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर स्लैम के बाद पोलो ने बोला था अभी तो हमने शुरू भी नहीं की है जो ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है वो, और इसी से रिलेटेड जेकब फाटू ने भी ट्वीट किया है जो कि पॉल एम ने बोला था अभी तो हम बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग में। तो जेकब फाटू ने वो लाइन बस ये जो सेंटेंस था बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग ये ट्वीट किया है, और इसको जिला फाटू ने भी रीट्वीट किया है। तो यार हमें अब पे बैक के अंदर सेट हो सकता है ये लोग भी देखने मिले, तो अभी तो क्योंकि हम यार अब ये बेसबॉल की बात कर रहे हैं उसमें 9 इनिंग्स होता है, तो यार ये लोग तो थर्ड इनिंग की बात कर रहे हैं बस, वो भी सबसे नीचे की थर्ड इनिंग में, तो अभी तो यार हमें क्या क्या देखने मिल सकता है। तो इसके बारे में आप लोग को क्या लगता है, ज़रूर कमेंट्स में बताना कि हमें पे बैक में नई एंट्री ब्लड लाइन्स में देखने मिलेगी या नई ब्लड लाइन फैमिली। अगली न्यूज़ है यार बेकी लिंच एंड बियांका बेलेयर की तरफ से, तो यार आप लोग को पहले ही पता है ये लोग टॉप फीमेल्स है रेसलिंग में, अगर और इन लोग का अब कोलैब आ रहा है WWE का बेकी लिंच बियांका बेलेयर का फोर्टनाइट के साथ। तो आप लोग को पता होगा फोर्टनाइट ने जॉन सीना की स्किन लाई हुई है, अब ये लोग बियांका बेलेयर और बेकी लिंच की भी ला रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है एंड काफ़ी अच्छी बात है कि फीमेल रेसलर्स की भी स्किन ला रही है फोर्टनाइट। एंड आप लोग लोगे या नहीं ज़रूर कमेंट्स में बताएं। हमारी अगली न्यूज़ आ रही है चैट गिबल की तरफ से, और यार आप लोगों ने देखा चैट गिबल कंटेंडर मैच जीत चुके हैं, उनने बाद में रॉक के बाद ट्विटर पे ट्वीट किया यू मिनेसोटा यू आर ऑल रॉक स्टार्स, थैंक यू फॉर टुनाइट, आई वोंट एवर फॉरगेट इट एंड नीडर विल ही। तो यार ये जो चैट गिबल और उनके बेटे के साथ जो मूवमेंट आना है ये काफ़ी काफ़ी अच्छा था, मतलब वो कंटेंडरशिप तो जीती गई ना उसके बाद अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो और गोल्ड हो गया ये मूवमेंट। यार आप लोगों को ये मूवमेंट कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में। हमारी अगली न्यूज़ आ रही है कोडी रोज से रिलेटेड, तो यार आज आप लोगों ने रॉ में देखा होगा कि जब उसने बोला
कि ये काफ़ी बढ़िया मोमेंट हुआ था। मैंने अपने मदर से बात करी तो मेरी मदर बोलती है कि पगले ये तो ब्रॉक ने तुझे एक्नॉलेज किया है, ये वो था। तो यार इसका एक ही मतलब आ रहा है कि ब्रॉक की कोडी वर्सेस रोमन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें देखने मिलेगा। एंड कोडी भी इसी बात की बात करते कि भाई मैं बोला नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरे को रोमन भी एक्नॉलेज करेगा। तो यार अब ये ब्लड लाइन की जो स्टोरी चल रही है एंड कोडी ने आज जो बोला है, अब यार ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वगैरह चल रहा है। अब या तो WWE को थोड़ा क्लियर करना शुरू करना चाहिए कि ये ब्लड लाइन कहीं आगे तक चलेगा या रोमन वर्सेस कोडी होएगा, या हम लोग को सही में रॉक और रोमन देखने मिलेगा। क्योंकि ये हर वीक अगर ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे तो लोगों का थोड़ा गैस करना कि अब क्या होगा क्या नहीं कंफ्यूज होगा। जैसे हमने समस्या में देखी, मैच में किसी को मज़ा नहीं है, किसी को सेंस लगा ही नहीं। तो ऐसे ही थोड़ा क्लियर क्लियर करना करना शुरू करना चाहिए। अभी ये जजमेंट डे का ही देख लो, जजमेंट डे वैसे सेट चल रहा था, बीच में नाकामुरा आ गया। अब देखते हैं लेकिन क्या इंटरेस्टिंग करेगी आगे WWE, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट्स में। अब यार बात कर लेते हैं हमें कल NXT में क्या क्या देखने मिलेगा। तो यार हमें NXT में कल बहुत सारी मैचेस देखने मिलेगी, जो कि है केलानी जॉर्डन वर्सेस ब्लेड डेवनपोर्ट, ईवी नाइल वर्सेस कियाना जेम्स, एंड फिर हमारे पास अली की मैच भी है, अली वर्सेस एग्जॉम, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस वॉन वेगनर, फिर हेरिटेज कप की भी मैच होने वाली है जो कि है टाइलर बेट वर्सेस नॉर्मडर, एंड जो हमारी कल की मेन बढ़िया मैच होने वाली है जिसमें रे मिस्टीरियो भी आने वाले हैं नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए, रे मिस्टीरियो वर्सेस ड्रैगन ली, एंड डॉम के साथ होएगी रिया रिपली, ड्रैगन ली के साथ होएगी रे मिस्टीरियो। अब कल ये देखने होगा पे बैक के लिए डोमिनिक वर्सेस रे की मैच हो सकती है क्या हमें कुछ देखने मिले, आप लोग को क्या लगता है ज़रूर कमेंट्स में बताना गाइज। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए, क्योंकि शायद हमें पे बैक के लिए यहाँ से मैच निकलती हुई देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, आप लोग को क्या लगता है बताना। तो यार हमारा लास्ट अपडेट आज के वीडियो का ये है कि यार रॉक कट का आप लोग को पता है यार कितने टाइम से चल रहा है, वापस आ रहा है वापस आ रहा है वापस आ रहा है, लेकिन ये वाला साइड थोड़ा हर बार के मुकाबले इस बार वाला साइड थोड़ा अच्छा लीक है, जो कि है केविन हार्ट और रॉक का बातें चल रही थी जिसमें हार्ट टू हार्ट शो में, जिसमें कि रॉक ने पूछा कि यार तेरी तूने ये करवाया क्या, तो केविन हार्ट बोलता है कि यार निक खान का मुझे फ़ोन आया था कि हमें कोई प्ले चाहिए, हम कहाँ पे करें रेसलमेनिया 40, तो केविन हार्ट बोलते हैं 40 यहाँ यहाँ करो फिलाडेल्फिया में जहाँ पे रेसलमेनिया 40 हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम लोग वहाँ पे होंगे। तो यार केविन हार्ट ने ये बोला है कि तुम लोग वहाँ होंगे रॉक को लेके, कि वहाँ 2 दिन के लिए तुम सब होंगे, तो मुझे ये पता है। तो यार हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा और अपडेट आ रहा है पूरी जनता ने जितने भी ये देखा है सबका यही आ रहा है कि ये क्यों बोला कि तू भी वहाँ होएगा तुम लोग। तो यार हमें मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि रॉक आ सकता है, एंड बहुत टाइम से चल रहा है वापस आना, तो मे बी WWE एंड रॉक इस बार शायद वापस करवा ही ले रॉक का रिटर्न। तो इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है।